क्या दोस्तों, आप लोगों को पता है कि जैसे ही मारुति सुजुकी की जिमनी आने की तैयारी कर रही है, उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो मारुति सुजुकी की जिमनी मात्र 10 लाख रुपए में आएगी। उसी को देखते हुए महिंद्रा कंपनी ने भी अपनी महिंद्रा थार को 4x2 में लॉन्च कर दिया है। साथ ही अगर देखा जाए तो यह गाड़ी सेम महिंद्रा थार 4x4 के हिसाब से डिजाइन की गई है। साथ ही अगर देखा जाए तो उसी गाड़ी को इन्होंने 4x2 के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। साथ ही अगर देखा जाए तो इस गाड़ी की जो कैपेबिलिटी है, जो महिंद्रा थार 4x4 की थी, वह की वही है। साथ ही अगर बात की जाए गाड़ी के परफॉर्मेंस की, तो गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार है। साथ ही अगर देखा जाए ऑफ रोडिंग के लिए भी गाड़ी बेस्ट मानी जा सकती है। साथ ही अगर बात की जाए इसके पावर की, तो इस वाले वेरिएंट की पावर लगभग 117 bhp देखने को मिलेगी। साथ ही आप लोगों को गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस 226 mm को देखने को मिलता है, जो कि महिंद्रा थार के अंदर आता है, वो का वही सेम दिया गया है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में, जो कि है इसकी प्राइस। महिंद्रा कंपनी ने इसकी प्राइस लगभग 9,99,000 रुपए रखी है। देखा जाए तो जिमनी की सेम प्राइस के अंदर 10 लाख रुपए के अंदर आप लोगों को महिंद्रा थार देखने को मिलेगी। और ये लॉन्च हो चुकी है, भारतीय मार्केट में आ भी चुकी है, बहुत सारे लोगों ने बुकिंग भी कर दी है इसकी और खरीद भी ली है, रोडों पे भी दिख रही है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो महिंद्रा भी कुछ पहले से ही तैयारी कर रखा था, जैसे कि उनको पता था कि बहुत ही जल्दी जिमनी आने वाली है, तो उसकी टक्कर के लिए उनको एक ऐसा व्हीकल चाहिए जो जिमनी की टक्कर में इस गाड़ी को उसकी सेलिंग को कम कर सके। तो उस हिसाब से इन्होंने महिंद्रा थार को लॉन्च कर दिया 4x2 के अंदर, क्योंकि जो 4x4 है ये इनका महंगा वेरिएंट है, लगभग 12-15 लाख रुपए एक शोरूम प्राइस रहती है, 17 लाख के आसपास इसका ऑन रोड जाता है। तो इन्होंने सोचा कि कुछ सस्ती रेट में उतारे, तब जाके ये मारुति सुजुकी की जिमनी को टक्कर दे पाएंगे। साथ ही अगर इसको 4x2 का जो वेरिएंट है मारुति सुजुकी की जिमनी और उसके साथ ही फोर्स गोरखा पर बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि दोनों गाड़ियों की सेल डाउन होगी। क्योंकि अगर महिंद्रा जैसी लुकिंग फुल गाड़ी आप लोगों को 10 लाख रुपए मिल जाए, तो फिर मारुति सुजुकी की जिमनी और फोर्स गोरखा कौन लेगा। साथ ही अगर बात की जाए कैपेबिलिटी सेम है, डायमेंशन सिस्टम पूरा सेम है, फंक्शन फीचर सब सेम है। तो अगर बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ इंजन की बात की जाए और 4x4 को हटा के 4x2 किया है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो महिंद्रा की सेलिंग अच्छी बनने वाली। पूरा वीडियो कल रात को अपलोड किया था, जो कि लगभग 10 मिनट का है। साथ ही हम ऐसे ही शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताते रहेंगे कि कौन सी गाड़ी नए टाइम पे लॉन्च हो रही है। साथ ही हम हर चीज की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देते रहेंगे। साथ ही आप देख ही सकते हो किस तरीके से महिंद्रा थार की परफॉर्मेंस है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज आप लोगों को हमारा वीडियो? आई होप सभी लोगों को पसंद आया। पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब।